हेलो। तो इसमें इस वीडियो पे हम देखेंगे नेस्टेड वीलोकअप। तो नेस्टेड वीलोकअप है क्या? सो पहले मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा देता हूँ कि नेस्टेड वीलोकअप क्या है एंड किस लिए काम आएगा। इनफैक्ट पहले इसका मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स सी। ओके, तो इसका एक्चुअली मैंने कोई ऐसा डेफिनेशन देखा नहीं है, बिकॉज क्या है कि ये वीलोकअप के अंदर दूसरा एक वीलोकअप है। सो उसका मैं अगर थियोरेटिकल डेफिनेशन दे दूँ तो उसका थियोरेटिकल डेफिनेशन ये है कि नेस्टेड वीलोकअप इज हेल्पफुल व्हेन टू और मोर कॉलम अरेज डू नॉट हैव एनीथिंग कॉमन ऑन देम एंड टू सॉल्व दिस नेस्टेड वीलोकअप हेल्प्स टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल अरेज एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन फेचिंग द रिजल्ट। तो आई नो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा आपको सुनने के लिए, तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है एंड इसको नेस्टेड वीलोकअप इसको कैसे सॉल्व करता है। सो पहला शीट में आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी के अगेन पहले शीट में एम्प्लॉय नेम है एंड एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी है। तो दूसरा शीट पे जब आओगे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू है। तो यहाँ पे देख रहे हो पहला शीट पे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे शीट पे है एम्प्लॉय आईडी और उसके अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू। तो तीसरी शीट में हमारा प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट सेल्स पर एम्प्लॉय आप कैसे लग जाओगे। सो उसके लिए है वीलोकअप। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला गलत हो गया। वीलोकअप, दूसरा वीलोकअप। सो पहला वीलोकअप से हम क्या करेंगे कि वीलोकअप के अंदर वीलोकअप जो है नेम के अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी लग जाएगा टू एग्जैक्ट मैच फॉल्स कॉमा। अब दूसरे वीलोकअप से अभी एम्प्लॉय आईडी तो मिल गया, इनफैक्ट अब एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट उसका जो सेल्स रेवेन्यू जो है पर एम्प्लॉय वो आ जाएगा टू, कॉलम नंबर टू है, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, ब्रैकेट क्लोज। देख रहे हो पैट्रिक के अगेंस्ट है 16,000। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, लेट्स से अगर मैं जॉन ले लेता हूँ तो इसका जॉन जॉन का सेल्स है 33,000। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, जॉन का आईडी है 2214, तो 2214 का है 33,000। देख रहे हो, तो ये मतलब बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, बिकॉज एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन पर लेट्स से कि यू नो आप एचआर डिपार्टमेंट में आप काम करते हो या लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, कोई और डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, तो इनफैक्ट आप मैनुअली सर्च तो नहीं करोगे ना। लेट्स से कि आपके पास एम्प्लॉय आपके पास अलग अलग शीट में डेटा है, एक शीट में आपको फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट वैल्यू क्या है सेल्स पर एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे मैनुअली जाके सर्च नहीं करोगे एक एक नेम, अगर मतलब मान लो 10,000 रिकॉर्ड्स है, 10,000 रोज है, 20,000 रो है, जाके मैनुअली सर्च नहीं करोगे, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। और आप दो दो तीन तीन वीलोकअप लगा कर भी इनफैक्ट इतना क्या कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता इनफैक्ट आपके टाइम का। सो उस टाइम को बचाने के लिए एक ही फॉर्मूला में हम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया कुछ और भी हो सकता है। आई होप नेस्टेड वीलोकअप के पर जो वीडियो था ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।